इनका इनको परिचय देने की तो जरूरत नहीं है, सभी इनसे वाकिफ है। देवी भोजपुरी की एक ब्रांड एम्बेसडर बोला जाए तो सही होगा, मतलब इनके गाने से मतलब घर घर के लोग वाकिफ है, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके जवान सभी वाकिफ है इनसे, तो इनके बारे में क्या बोला जाए, जितने सब बोला जाएगा कम पड़ जाएगा। तो देवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी मुझे बहुत लाइक करते हैं और मेरे गानों को बहुत ज्यादा सुनते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आपके जरिए डेवलप करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, किसी चीज का डेवलपमेंट अच्छे कामों से होता है, किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई लाने के लिए अच्छा कार्य करना होता है। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं भोजपुरी में अच्छे गानों को गाऊं। मैंने भिखारी ठाकुर जी को गाया, महेंद्र मिश्र जी को गाया, जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, छठ के गीत हैं, देवी गीत हैं, भजनों को गाया, मॉडर्न गाने भी गाए, लेकिन मैंने हमेशा ये भोजपुरी का जो स्तर है उसको हमेशा बरकरार रखा। अब इन्होंने कई सारे कंपोजर्स लिरिक्स राइटर के साथ काम किया है, तो वन ऑफ द बेस्ट आपको कौन लगता है कि जिनके साथ आप आगे भी काम करना चाहेंगे, जिनका कंपोजिशन अच्छा लगे, लिरिसिस्ट जो अच्छे लगे, कौन है वन ऑफ द? हाँ देखिए, आपने बहुत सही बात की। देखिए, कोई भी जो जैसे संगीत है तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, और इसमें बहुत योगदान जो राइटर्स हैं उनका भी होता है, और साथ ही साथ जो म्यूजिक बनाते हैं उनका भी होता है। तो मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं जो बहुत लोकप्रिय है। चंद्रभूषण जी हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक भी बनाते हैं, जिन्होंने यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा जो गाना लिखा भी है और उसको म्यूजिक भी दिया है, तो उनके साथ मुझे काम करने में अच्छा लगता है। उसके बाद संतोष पुरी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे गाने मुझे दिए, बहुत सारे हिट गाने जो हैं जैसे अयले मोरे राजा, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, तो इसका धुन और इसके जो लिरिक्स है वो संतोष पुरी जी का है। तो इन लोगों के साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ मेरा सौभाग्य है कि मैंने भिखारी ठाकुर जी को भी गाया, महेंद्र मिश्र जी जो कि हमारे लेजेंड माने जाते हैं भोजपुरी के, उनके भी गाने मैंने गाए हैं। आप कई सारे गाने आप गाए हुए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपका बेस्ट कौन सा है? ये तो बहुत कहना मुश्किल है, हर गाने की कुछ खासियत है, तो भी मैंने गाया है, मैंने उस सारे गानों को पसंद किया इसीलिए गाए हैं। लेकिन कुछ गाने मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने ये जो गाना गाया है ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कुसूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कुसूर है, तूने जाम नजर से पिला दिया मुझे, शराबी बना दिया मुझे, शराबी बना दिया। तो ये गाने मुझे बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे जो भी गाने में गाते हो कहीं ना कहीं मुझे पसंद होते हैं। आप काफी बिजी रहती हैं, काफी सोर्स करने रहते हैं, रिकॉर्डिंग्स करने रहते हैं, स्टूडियोज जाने रहते हैं, तो इस सबसे परे अपने फैमिली को कैसे आप टाइम देती हैं, कैसे उनसे टाइम स्पेंड करती हैं, कैसे क्या क्या करती हैं? नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं लकी मानती हूँ कि हम लोग की फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और मैं भले ही कितनी बिजी रहती हूँ मैं अपने मम्मी पापा से मिलती रहती हूँ, और मैं अपने भाई बहनों से मिलते रहती हूँ। हमारा आश्रम चलता है ऋषिकेश में, देवी म्यूजिक आश्रम के नाम से, वहाँ मेरी सिस्टर उसको रन करती है नीति, और मेरा भाई राज है, तो ये दोनों वहाँ पे रहते हैं, तो मैं अक्सर वहाँ भी जाती रहती हूँ। और बिहार जब भी मैं आती हूँ तो अपने घर पे जरूर जाती हूँ, और आजकल सबसे अच्छी बात है कि जो आजकल इंटरनेट के द्वारा आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लोगों से रहते हैं। मेरी बहन कभी कभी विदेश में भी रहती है, उसकी शादी यूरोप में हुई है, तो यूरोप जाने के बावजूद भी हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़े रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। और हम लोग के परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं बस दुआ करती हूँ कि ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। और एक सवाल मेरा ये रहेगा, आप काफ़ी जगह टूर करती है काफ़ी कंट्री में, तो आपको क्या लगता है इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया को अगर आप अपने हिसाब से इकोनॉमिकली बोले या फिर जिस कंडीशन में बोले, डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, हर देश की कुछ कुछ खासियत होती है, और जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी खासियत का आपको पता चलता है। हमारा जैसे कि कुछ डिमेरिट्स मैं इंडिया का देखती हूँ, अगर आप कुछ मामले में तुलना करेंगे तो, लेकिन हमारे भारत की जो संस्कृति है वो बहुत रिच है। भारत में जिस तरह से रीति रिवाज हैं ये एक अनोखी चीज़ है,
और इंडिया में जैसे रिलीजन है ये इंडिया की खासियत है, और दूसरा यहाँ पे पर्व त्यौहार बहुत है, और जो हमारा कल्चर है जहाँ पे रिलेशनशिप का बहुत महत्व है, एक हमारे कल्चर में बताया जाता है कि हमारे पिताजी हैं, हमारे हमारी माता हैं या हमारे भाई बहन हैं, तो उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाई जाती है, तो ये सब भारत की बहुत अच्छी खासियत है। और कुछ कमियां तो हर देशों में होती है, अब बाहर के देशों में मैं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो यूरोप में ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। इंडिया में इस चीज़ को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा कि लोग अवेयर हो कि कई बार कचड़े को लोग सड़क पे फेंक देते हैं या फिर अवेयर नहीं होते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें यूरोप से सीखनी चाहिए कि लोग साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। और बाकी अगर आप ठीक ठाक हैं, आप स्मार्ट हैं, तो आप पूरे विश्व में अच्छी चीज़ों को खोज लेंगे। और मैं मानती हूँ कि हर देश की कुछ कुछ खासियत होती है, और हमें जरूर ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करने से हमें ज्ञान मिलता है और अपने कंट्री की भी अच्छी चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, अभी मैं साउथ अमेरिका भी गई थी तो वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, मैं यूरोप भी जाती रहती हूँ और इंडिया में भी, अभी मैं दुबई देख के आई, दुबई में मैंने देखा कि वहाँ मैंने देखा मॉडर्निटी बहुत ज़्यादा है, नए नए बिल्डिंग्स हैं, बहुत मॉडर्न है, बहुत क्लीन है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे भी मैंने पाया कि जैसे कि इंडिया में ग्रीनरी बहुत है, वहाँ ग्रीनरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेड़ के नीचे बैठ के आनंद लूँ, आम के पेड़ों का आनंद लूँ, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो हर कंट्री में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, और वी शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर, हमें अच्छी चीज़ों को कहीं से भी सीखना चाहिए। तो अगर भारत में जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन को थोड़ा कम किया जाए और साफ सफाई रखी जाए, एजुकेशन बढ़ाया जाए, तो इंडिया ये हमारा बहुत अच्छा है और बेहतर होने की संभावना है। इस साल बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या भोजपुरी, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बना था अगर, तो कोई मेरे हिसाब से पवन सिंह और अक्षरा के बीच में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए ऐसा है कि उन लोगों को मैं ढंग से अभी जानती नहीं हूँ, दोनों को मैं मतलब थोड़ा ही बहुत जानती हूँ, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। और जो भी है, अगर कुछ गलत किसी के साथ भी है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं यही कहना चाहूँगी कि जब किसी के साथ गलत होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आज आप गोपालगंज आई हैं, तो गोपालगंज वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे और गोपालगंज के बारे में? बस गोपालगंज के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों, मैं गोपालगंज से मेरा वास्ता तब का है जब मैंने एकदम नया जब मेरा एल्बम निकला था तब मैं यहाँ आई थी और लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था, और आज मैं दोबारा आई हूँ गोपालगंज की धरती पर। और मेरा सौभाग्य है कि भोजपुरी की जो जनता है वो मुझे लाइक करती है, मेरे गाने सुनती है, मेरे फैंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे हिसाब से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, इनका मतलब अगर टीआरपी देखा जाए तो टीआरपी का बहुत ज्यादा आ जाएगा, काफी सिंगर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा आप आगे हैं, तो इस पे आप क्या फील करती है गोपालगंज में? नहीं देखिए ये तो किसी भी कलाकार के लिए देखिए सपना होता है जब लोग उसे लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं, दिस इज द ड्रीम ऑफ ऑल आर्टिस्ट कि लोग उन्हें पहचाने जाने, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्टार्टिंग 15 साल पहले मैंने किया था और आज भी मेरे फैंस है, आज भी लोग मेरे गानों को सुनते हैं, यूट्यूब पे मेरे व्यूअरशिप काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इस सब के लिए अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। आज हमारे साथ देवी जुड़ी थी, इनके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड की, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आई, इतनी सारी बातें कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अन शुभकामनाएं।